So this is a poem. Where do all the teachers go? ये सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं? एक बच्चे के मन में जिज्ञासा रहती है, छोटा बच्चा जो होता है स्कूल में पढ़ने आता है, तो उसके मन में जिज्ञासा रहती है कि ये टीचर्स या शिक्षक या शिक्षिका कहाँ जाते हैं? फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल, एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक बहुत ही विशेष होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, और इस बच्चे के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है कि वो अपने अध्यापक के बारे में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सोच सके। अध्यापक को वो कोई विशिष्ट व्यक्ति समझता है, विशेष समझता है, वो ये कल्पना ही नहीं कर पाता कि ये भी सामान्य लोग हैं। तो देखते हैं क्या क्या जिज्ञासा है इस बच्चे की। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं? वैन इट्स 4 o'clock, जब 4 बजते हैं यानी स्कूल समाप्त हो जाता है, तो ये अध्यापक कहाँ चले जाते हैं? डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो अपनी जुराबे भी धोते हैं? जुराब जो जूतों में पहनी जाती हैं, क्या वो धोते हैं? जैसा कि सभी लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, तो ये बच्चा अपनी तरफ से सोच रहा है क्या ये अध्यापक भी घर जाते हैं और अपनी जुराबे धोते हैं? डू दे वेयर पायजामास, क्या वो पजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वे टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वे अपनी नाक भी कुरेदते हैं, मतलब नाक में उंगली डालते हैं? द सेम एज यू एंड मी, जैसा कि मैं और आप करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे अन्य लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके माता पिता हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे भी कभी बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड, और क्या वे कभी बुरे भी थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या उन्होंने कभी गलत नहीं लिखा, यानी कि हमेशा सही ही लिखते रहे, यानी कभी उन्होंने गलत नहीं लिखा? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलतियां की? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें भी कोने में खड़ा करके सजा दी गई? इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, जब उन्होंने चॉकलेट की जो फ्लेक्स होती हैं, चॉकलेट के जो टुकड़े होते हैं वो तोड़े हों? डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स, क्या कभी उन्होंने अपनी जो किताबें थी, मंत्रों की किताबें थी या कविताओं की किताबें थी, उन्हें कभी खोया? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स का मतलब यहाँ पर है हरी सब्जियाँ, तो बच्चे जैसे हरी सब्जियाँ नहीं खाते, तो ये बच्चा भी सोच रहा है क्या टीचर ने कभी अपनी हरी सब्जियाँ छोड़ी? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, और क्या उन्होंने डेस्क के जो ऊपर डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर कभी स्क्रिबल किया, यानी पेन से कुछ भी इधर उधर लिखा? डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, मैं एक दिन पीछा करूंगा उनका, आज आज मैं एक टीचर का पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं पता लगाऊंगा वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और तब मैं एक कविता लिखूंगा दैट दे कैन रीड टू यू, जो कविता आपके सामने पढ़ के सुना सकें। सो पीटर डिक्सन इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। एक बच्चे की जिज्ञासा है कि किस प्रकार से टीचर्स बिहेव करते होंगे यहाँ से जाने के बाद, क्या वो भी सामान्य लोगों की तरह रहते हैं? तो रीड दिस पोएम एंड डू द क्वेश्चन आंसर्स।